अगली कॉलर है सुलेखा जी, महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। मैडम हेलो। हाँ जी, मेरे सर पर ऐसे नहीं क्या, इसीलिए नस रही थी ना अंदर की, वो नहीं क्या झटक दिए ना, इसीलिए तनाव रहता है सर में। सर की नसों में दर्द रहता है। ऐसी झटकती है, ऐसी हालती है अंदर के अंदर, वो जैसी जी तनाव रहता है ऐसा, वो नस में ऐसा कुछ भी कुछ भी आता है। ठीक है, टेंशन रहती है, खिंचाव रहता है। तो देखिए, एक काम कर लें, मेरे कहने से ऐसे सीधा बैठे हैं रोजाना मेरी तरह, और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें। ये 3 मिनट रोजाना आपको करना है। 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, एक एक मिनट करके 3 मिनट कर लें पूरे दिन में, ठीक है? और ऐसे 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 पूरी तरह यहाँ तक ले आए अपनी गर्दन घुमा के, ये 3 मिनट बस, ये काफी है। ठीक 10-11 दिन में आपका दर्द कहाँ गया, तनाव कहाँ गया, आप खुद बहुत खुश हो जाएंगी कि ढूंढ के देखें किधर गया ये तकलीफ। और मेहनत का काम ज़रा कम करें और भगवान से मदद मांगें, आपको फायदा मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका विमलेश जी। जी हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं 3 बार दवाई मंगवा चुकी हूँ, अब चौथी बार दवाई ले रही हूँ, आप भेज देना। कौन सी हाँ, दवाई? JTK, और कौन सी है लिखी होगी मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको मंगवानी है ये दवाइयाँ? हाँ, दो दो कैप्सूल रोज जी लेती हूँ, एक ये एक वो, चलिए। हाँ, एक मैं आपसे यहाँ पे पीके। कहना चाहूंगी मैम कि अगर आपको दवाइयों से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी होती है, आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत बात कर सकते हैं। दर्शकों, रोग संबंधी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो रोग संबंधी प्रश्न कीजिए, और कोई भी अगर आप लोगों को रॉ मटेरियल रिलेटेड क्वेरी होती है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। हकीम साहब, जैसे कि एक बार फिर से हमारे साथ एक कॉलर ऐसे जुड़े जिन्होंने नकली रॉ मटेरियल ले लिया है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, इसकी पहचान तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल और भोले भाले लोग जी बहुत हैं। जी किसी ने कह दिया यही है तो वो ले जाते हैं, भरोसे की जगह से लें। भगवान से डरने वाले लोग अगर मिल जाएं तो असली चीज़ मिल सकती है। या देखिए, नकली की कोई वो नहीं, नकालों से हम बच नहीं सकते अगर हम अंदर से स्ट्रांग ना हो। हम भरोसा आसानी से कर लेते हैं, हमारे भारत के लोग बहुत भोले भाले हैं। और जो मैं दवा बताता हूँ, अगर वही मिलेगी तो फ़ायदा होगा, और जिन लोगों ने बाहर से ली उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहले उसकी शेप शक्ल समझ लें। और अब हमने भी एक कोशिश की है कि जी कोई भी हमसे दवा मंगाता है या ग्रो मटेरियल, तो हम उसमें वो उसकी पिक्चर डाल देते हैं, कौन सी चीज़ कैसी जी दिखती है, जी कैसी लगती है, कैसा स्वाद है, ताकि लोग धोखाधड़ी से बच सके। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स। कैलाश जी हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार मैं हकीम साहब से बात कर सकता हूँ? जी, जी आदावर साहब, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है। आदाब हकीम साहब, मैं आपसे 2-3 बार पहले भी बात कर चुका हूँ। मेरे ना जी, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं। हकीम साहब, मैं ना काफ आप टीवी की आवाज मत सुनिए, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। अब अपना सवाल पूरा करिए बेटा। कैलाश हकीम साहब, जी मेरे को जी ना मेरे को 20 साल से जो था स्पाइन कॉर्ड इंजरी थी मैंने, उसके बाद मैं फिजियोथेरापी और अपना एलोपैथिक की दवाइयां लेके ठीक हूँ। कुछ मैंने आपसे बात करके, आपने मुझे गोंद सिया
और जैतून का सिरका मंगाया था, एक नुक्ता भी बनाया था दर्द के लिए, जैतून का सिरका। और पेट में मेरे ना कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, उसके लिए टी केयर कैप्सूल मंगाए थे, एक नुक्ता जनाब ने मेरे को बताया था, सौंफ मेथी आंवला और एक जैतून का नमक, वो मंगा के वो भी मंगाया, तो मुझे काफी फर्क आया इससे। मेरे शरीर में जो जकड़न थी उसमें काफी, मतलब 50% फर्क है, जो काफी सालों से थी। कितने दिन से ले रहे हैं? मेरे पेट, जी कितने दिन से ले रहे हैं आप? मुझे करीब महीना सवा महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हो गया है। ठीक है, ठीक है। और देखिए ये दवा मैं इसलिए कहता हूँ कि असली मिल जाए तो काम हो जाता है, और 1 महीने में अगर 50% फायदा है तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और जब बेल पत्थर आए, ये पत्थर बेल जिसे कहते हैं, तो खाया करें रोज़ाना आधी पत्थर बेल, ये भी बहुत अच्छी है पेट के लिए। और ये बेल पत्थर का मुरब्बा भी आता है, जब क्योंकि ऑफ सीज़न है आजकल, तो बेल पत्थर का मुरब्बा एक पीस सुबह एक पीस शाम खा लिया करें। ये तंदुरुस्ती की दवाएं हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में कुदरत ने पैदा की हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि रॉ मटेरियल बता दूं। आपको फ़ायदा हुआ, भगवान का ख़ास शुक्र अदा करिए और किसी गरीब के काम आ जाइए, भगवान बहुत खुश होता है किसी गरीब के काम आने से। जी, मैं दुआ करूंगा आप पूरी तरह ठीक हो जाएं। चलिए पंजाब से अगले कॉलर हैं लता, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। मेरे दो सवाल हैं जी। बोलिए। एक तो जी मेरे बेटे की उम्र 33 साल है। हाँ। ओदे सिर पे ना कि गंज है, गोल गोल सर्कल के बाल उठ गए हैं। बाल उड़ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, गोल गोल सर्कल के। ठीक है जी। बस हाँ जी। दूसरा सवाल ये है जी, मेरी बहन की उम्र है 60 वर्ष की, उन्होंने कमजोर हो रहे ने थायराइड की प्रॉब्लम करके जी। थायराइड की? हाँ जी, कमजोर हो रहे हैं जी। कमजोर करने वाला थायराइड है उन्हें। ठीक है, और कोई हाँ सवाल आपका? ना जी बस जी, राम जी जी। अच्छा देखिए, बेटे को गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, देखिए याद रखें सफ़ेद लेना है और लाल नहीं लेना, लाल नकली होता है गौन मोरिंगा सफ़ेद। ये गौंद ऐसा है कि अगर ज़रा सा ज़बान पर लगाओ तो मिर्च सिक लगाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई एसिड रख दिया ज़बान पर, लेकिन बुरा नहीं लगता लेकिन लगता है, ज़बान से थोड़ा सा रिएक्ट करता है ये। और असली लें बस 100-200 ग्राम खरीद लें, और एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद मिला के रोज़ पिलाया करें, और नज़ला वगैरह हो तो उसका इलाज करें, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। आपकी बहन को थायराइड है पतला करने वाला, ये उसका नुस्खा भी आप लिख लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम अपनी बहन को दें, और वो गोली भी लें जो उनकी गोली चल रही है, और धीरे धीरे उनकी वो गोली कम होती जाएगी और वो ठीक होती जाएंगी, शायद 8-9 महीने लगें उनको मुकम्मल ठीक होने में। तो देखिए आप लता जी, ये दोनों नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत आपको आराम मिलेगा। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं या फिर आप लिख नहीं पाई हैं तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, जब आप लोग हमारे साथ जुड़े तो टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे कि आप हर एक बात लिख पाएं, नोट डाउन कर पाएं, क्योंकि परहेज भी आप लोगों को बताए जाते हैं, नुस्खा कैसे बनाना है, कितने ग्राम सेवन करना है और कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है, ये सारी बातें अगर आप लोग लिख लेंगे तो फिर आप अच्छे से नुस्खों का सेवन कर पाएंगे, हर एक बात को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। बाकी लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, आगरा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका।
मैं नैमिसेन वार्ड से आगरा से बोल रहा हूँ जी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे शुगर है, शुगर की तो अंग्रेजी दवा चल रही है, इसके साथ ही साथ पेट में गैस बनती है ऊपर की ओर, ठीक है। कभी कभी रात को जो है ये लगता है कि कहीं उल्टी नहीं हो जाए, लेकिन उल्टी नहीं होती है, नाक तक में पानी सा आ जाता है, बबन नहीं होती है, ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। गैस की कमती रहती है, पेट साफ नहीं रहता। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बहुत कीमती है, अगर आप लिख लें, लिखेंगे नहीं तो कीमती नहीं है, क्योंकि गलती भी हो सकती है। पूरी तरह लिख लें, यह आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, शुगर की वो दवा भी लेते रहें जो आप लेते हैं। और नुस्खा कुछ यूँ है कि आंवला सूखा मिलता है 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम मेथी दाना, ये सब 800 ग्राम हो गए। और एक आता है नमक जैतून कहते हैं इसे, ये बिल्कुल नमक जैसा दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं, ये 150 ग्राम लें। इसके साथ पाउडर बनाएं इन दवाओं के साथ, और एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चम्मच शाम को खाने से पहले गर्म पानी से लिया करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, आपका सेहतमंद होना मुमकिन है। अगले कॉलर है जालौन से रूबी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम, हकीम साहब से बात करना है। ठीक है जी, रूबी जी आदाब, बताइए। नमस्कार साहब। नमस्कार जय। मेरे सांस में प्रॉब्लम है और खांसी है, कम से कम 20 साल पुरानी खांसी है, और कफ भी निकलता है, और कना गैस भी बनती है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप गर्म पानी पिया करें, ठीक है, दिन में कम से कम 5 बार, और एक दवा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप खुद बना लें, उसे इस्तेमाल करें। देखिए आपको लेनी है अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, और किचन में जो पीपलें होती हैं हमारे गरम मसालों में, एक चीज़ है जिसे पीपलें कहते हैं, आपको तो पता होगा, 1.25 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी होती है, ये 30 ग्राम लें, और इनको मिलाकर पाउडर बनाकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, सुबह खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी से ले लें, ये आप लगातार लेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ जालंधर से हैं रामायण, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरे ऐसा है कि सर्वाइकल भी है। हाँ। और पेट में गैस बनता है। ठीक है। और सिर में चक्कर आता है। ये परेशानी कब से है आपको? ये परेशानी मेरे को आज कम से कम 10-15 साल से है। आपकी उम्र क्या है? उम्र 65 साल है। ठीक है, तो देखिए 10-15 साल की परेशानी है, मुझे आपसे 10-15 दिन चाहिए। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो 10-15 दिन मुझे दीजिए, और ऐसे सीधा बैठे, रोज़ाना ऐसे सीधा बैठ जाए मेरी तरह, और ये कान ये अपने मोंडे से लगाएं। देखिए ये मोंडा नहीं उठना चाहिए, ये कान जाना चाहिए इसके पास, है ना, ऐसे रोज़ाना आपको 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, एक साथ कोई नहीं कर सकता, इसलिए एक एक मिनट करके 5 मरतबा करें, और ये वाली खूब ज़ोर से इसे मोड़े, यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी, ये 5 मिनट करनी है, पूरे 24 घंटे में 5-5 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, ठीक। 15 दिन में आपका सर्वाइकल, आपका चक्कर कहाँ गया आप खुद ढूंढते रह जाएंगे,
और एक तो ये एक्सरसाइज बहुत कामयाब है, 100 दवाओं पे भारी है। और ये गैस वगैरह के लिए एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ, धनिया सूखा हुआ आंवला और मेथी का दाना 200-200 ग्राम लें। सौंफ, धनिया सूखा हुआ आंवला और मेथी का दाना 200-200 ग्राम लें। और नमक, जैतून कहते हैं, जैतून का रसायन, एक नमक जैसी चीज़ है जो नमकीन नहीं होती, ये 150 ग्राम। इन सब के साथ पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले, खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं पानी के साथ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ये सब लेके इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।